फरुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव डांडीपुर में शनिवार शाम 6 बजे के लगभग माँ के द्वारा मैक्रोनी बनाई गई थी। उसके बाद शिवम, अनुपम, आशा, गौरी आदि बच्चों के द्वारा मैक्रोनी खाई गई। इसके बाद उन बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। शिवम उम्र 8 वर्ष, पुत्र मानसिंह की रविवार 8 बजे सुबह मौत हो गई। सोमवार आज अनुपम की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी उम्र तकरीबन 10 वर्ष, कक्षा 3 की छात्रा। पिता मानसिंह का कहना है कि माँ सहित 4 बच्चों ने मैक्रोनी खाई थी। अभी से इन लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिससे 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 3 लोग जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराए गए हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। थाना पुलिस को सूचना मिलते ही SI प्रमोद, SI सुधा पाल अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पड़ोसियों से जानकारी ली है। इन 2 बच्चों की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन गाँव में कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी प्रमित राजपूत, डॉक्टर गौरव भी मौके पर जांच करने के लिए पहुंचे। क्षेत्रीय लेखपाल गौरव भी मौके पर पहुंचे और उसमें पूछताछ की, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये बताने को तैयार नहीं है कि इन 2 बच्चों की कैसे मृत्यु हुई है। क्षेत्र में मैक्रोनी बेचने वालों का तांता लगा रहता है और यही पता नहीं कि कौन क्या चीज़ भेजता है, उसी को लेकर पुलिस भी मैक्रोनी बेचने वालों पर शिकंजा कसने वाली है। जिस पर चाची पूजा का कहना है कि मैक्रोनी इनकी मां रिंकी द्वारा छत पर झोपड़ी में रखे चूल्हे पर बनाई जा रही थी, तभी इनके परिवार वालों ने उसको खाया। जो पिता धान की फसल देखने के लिए गया था, वही सुरक्षित घर में बचा हुआ है। 2 बच्चों की मैक्रोनी खाने से मौत हुई है, लेकिन उन्होंने PM की कार्रवाई को कोई सूचना थाना पुलिस को नहीं दी और दाह संस्कार कर दिया। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।